दोस्तों दिवाली से नज़दीक आ चुकी है और आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि हम अंडर 10,000 में एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो हमें बैटरी बैकअप देखने को मिले और फास्ट चार्जिंग देखने को मिले, कैमरा भी अच्छा देखने को मिले और यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर होता है ये सब अच्छा देखने को मिले अंडर 10,000 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप 10,000 के अंडर प्राइस रेंज में एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको 7 स्मार्टफोन के बारे में बताऊँगा, जो भी आप स्मार्टफोन लेंगे आपको अंडर 10,000 में काफी अच्छा स्मार्टफोन है। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले स्मार्टफोन की बात कर लें तो मोटो का E40 स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन आपको अभी जल्दी में लॉन्च हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसकी जो सेल है 17 तारीख को स्टार्ट हुई थी और ये फर्स्ट सेल, इस सेल में आपको अगर डिस्काउंट के साथ अगर लेते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 8,499 रुपये में देखने को मिल जाएगा बैंक कार्ड को मिला। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो बैंक कार्ड दिया हुआ है आपके पास नहीं होगा, आपके फ्रेंड सर्किल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो बैंक कार्ड दिया हुआ है SBI बैंक का डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप उसका यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 750 या फिर 1,000 तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये स्मार्टफोन आपको जो है 8,500 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात कर लूँ तो पोको का M3 स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन अगर बैंक कार्ड मिला के इस सेल में बाय करेंगे तो 10,350 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है 10,000 के प्राइस रेंज में। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात कर लूँ तो रियलमी का नार्जो 50A, ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। जो बैंक कार्ड अगर आप मिलाते हैं SBI बैंक का डेबिट कार्ड तो उस पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इसकी कैमरा भी अच्छा होने वाला है, बैटरी बैकअप भी अच्छा रहेगा और यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है ये भी अच्छा रहेगा। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, गेमिंग खेलना चाहते हैं तो इन सभी स्मार्टफोन में आप गेम खेल सकते हैं बड़े अच्छे से। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात कर लूँ तो रेडमी का 9 पावर, ये स्मार्टफोन आपको 9,900 रुपये में देखने को मिल जाएगा अगर इस सेल में बाय करेंगे डेबिट कार्ड को मिला के। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आप गेमिंग के लिए खेल सकते हैं, मतलब कि गेम आप यूज कर सकते हैं, पबजी टीसेंट वगैरह दोस्तों यहाँ पे जो कई सारे गेम्स हैं तो आप इन सभी गेम्स को खेल सकते हैं जो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात कर लूँ सैमसंग का, अगर आप दीवाने हैं तो सैमसंग के M12 ले सकते हैं, ये स्मार्टफोन आपको 8,499 रुपये में देखने को मिल जाएगा जो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11S, ये स्मार्टफोन आपको 9,900 रुपये में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इन्फिनिक्स को यूज करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और दोस्तों अगर आप नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, इंडियन का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा माइक्रोमैक्स का N Note 1, ये स्मार्टफोन आपको 8,550 रुपये में देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों अगर आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, देसी जिसे बोल सकते हैं, तो आपके लिए ये स्मार्टफोन 8,550 रुपये में देखने को मिल जाएगा इस बैंक के कार्ड को मिला करके इस बिग दिवाली सेल में। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अंडर 10,000 में आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आप अच्छे से समझ गए तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इस तरह से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियोज लेकर आऊँ, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज लेकर आऊँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। और आपका जो भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की लिंक मिलेगी, आप इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम इसी पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।